ब्लास्ट सेल क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ब्लास्ट सेल ये सीबीसी की रिपोर्ट आप कराते होंगे तो उसमें ब्लास्ट सेल नाम का एक पैरामीटर लिखा कई बार मिल सकता है, या सीबीसी का जब कमेंट कराते हैं उसमें भी कई बार ब्लास्ट सेल के बारे में रहता है। तो इसी को समझते हैं कि क्या होता है और इसका ब्लड में मिलना क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये ब्लास्ट सेल क्या होते हैं, जो सेल्स बनते हैं बोन मैरो के अंदर जो सेल्स बनते हैं उसका जो अर्ली सेल होता है, इमैच्योर सेल होता है, उसको हम लोग ब्लास्ट सेल बोलते हैं। और ये सिर्फ बोन मैरो के अंदर मिलते हैं। जो पेरिफेरल ब्लड होता है, मतलब बाहर जो हम लोग सीबीसी की रिपोर्ट निकलवाते हैं, जांच कराते हैं, उसमें ये ब्लास्ट सेल नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी ने सीबीसी का काउंट कराया और उसमें ब्लास्ट सेल मिल रहा है तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है, कोई बीमारी का संकेत है। तो जैसे आपने सीबीसी की जांच कराई, खून की जांच कराई, उसमें ब्लास्ट सेल मिला, या तो कमेंट में मिला या तो डिफरेंशियल में कहीं लिखा हुआ मिला, तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। अब ब्लास्ट सेल से क्या होता है कि जो ब्लड के सेल्स हैं वो सारे बनते हैं, तो अलग अलग तरह के ब्लास्ट सेल होते हैं, जैसे कि माइलोब्लास्ट है, लिम्फोब्लास्ट है, इरिथ्रोब्लास्ट है, मेगाकैरियोब्लास्ट है। मेगाकैरियोब्लास्ट से प्लेटलेट बनेगा, इरिथ्रोब्लास्ट से आरबीसी बनेगा, माइलोब्लास्ट से डब्ल्यूबीसी, लिम्फोब्लास्ट से लिम्फोसाइट वगैरह बनता है। तो ये ब्लास्ट सेल होते हैं, फिर मैचुरेशन होता है, सेल मैच्योर होते होते फिर जब मैचुरेशन हो जाता है तब बोन मैरो से निकल के बाहर ब्लड में आते हैं। तो ब्लड में ब्लास्ट सेल का मिलना एक बेकार बात है, खतरनाक बात है, नहीं मिलना चाहिए। तो सीबीसी की रिपोर्ट में हो सकता है ब्लास्ट सेल से उसका एक सेक्शन होगा, उसमें आप नॉर्मली देखोगे तो 0% लिखा हुआ मिलेगा, मतलब हमेशा 0% ही रहता है। नॉर्मली अगर ब्लास्ट सेल की बात करें तो जो पेरिफेरल स्मेल होता है या सीबीसी की रिपोर्ट होती है, टीएलसी की, डीएलसी की रिपोर्ट होती है, उसमें 0 होना चाहिए, नील होना चाहिए, कोई भी नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर किसी की रिपोर्ट में ऐसा रहता है कि 1% आ गया, 2% या 3% आ गया, तो 1 से 3% अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि बोन मैरो से बहुत ज्यादा सेल्स बन रहे हैं, इसलिए ब्लास्ट सेल भी आ रहा है बाहर। ब्लड में ज्यादा डब्ल्यूबीसी की जरूरत है, मतलब कि शरीर में सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, या तो इन्फ्लेमेशन हो गया है, या तो बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन जिसको सेप्सिस बोलते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में ये ब्लास्ट सेल आ सकते हैं। और इस जब इन्फेक्शन कारण ब्लास्ट सेल आता है तो उसमें जो डब्ल्यूबीसी के सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल वगैरह, उसमें टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स का मिलना, टॉक्सिक वैक्यूल्स का मिलना, शिफ्ट टू लेफ्ट हो जाना, मतलब थोड़ा इमैच्योर सेल दिखना, बैंड वगैरह ये भी दिखेंगे मेटामाइलो, और डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ा रहेगा। तो ये अगर 1 से 3% तक ब्लास्ट सेल है तो इन्फेक्शन को सजेस्ट करता है। लेकिन अगर किसी के शरीर में 3 से ज्यादा हो जाए, 4, 5, 6, 10, 12, 20, तो फिर ये ब्लड कैंसर की तरफ इशारा करता है। तो जो अक्यूट ल्यूकेमिया होती है उसमें ब्लास्ट सेल 20% से ज्यादा होते हैं, और कुछ क्रोनिक ल्यूकेमियाज होती हैं जैसे कि एमडीएस है या सीएमएल है, इन सब में 3 से लेकर 10% के बीच हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ब्लास्ट सेल अगर ज्यादा मात्रा में है तो ये कैंसर होने की तरफ इशारा करता है। फिर काफी तरह की जांचें हैं, स्पेशली बोन मैरो की करानी पड़ेंगी देखने के लिए कैंसर है कि नहीं। तो अगर ब्लास्ट सेल बढ़ने के कारण की बात करें तो जैसे मतलब कि सीवियर इन्फेक्शन में तो हो सकता है, दूसरा कुछ लोगों को इंजेक्शन लगता है ब्लड बनने के लिए, खून बनने के लिए, जिसको ग्रैनुलोसाइटिक कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर हम लोग बोलते हैं, कीमोथेरेपी जिनको लगती है उनमें, स्पेशली उन मरीजों में ज्यादा लगाया जाता है, और सीएमएल, एमडीएस और ल्यूकोपेनिया। तो कहने का मतलब है कि अगर ब्लास्ट सेल नॉर्मली ब्लड में नहीं होने चाहिए, अगर बढ़ रहा है तो कोई ना कोई बीमारी है, और उस बीमारी को देखना है कि इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है कि किसी तरीके का ब्लड कैंसर है। तो ये ब्लास्ट सेल के बारे में कुछ जो बेसिक जानकारी है होनी चाहिए। आम पब्लिक के लिए इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट बात नहीं है, पर ऐसे बच्चे जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये ब्लास्ट सेल अगर किसी रिपोर्ट में आती है तो इसका क्या मतलब है और उनको क्या करना चाहिए। तो अगर ब्लास्ट सेल अगर किसी के सीबीसी रिपोर्ट में मिले तो बहुत सिग्निफिकेंट बात है, जांचें और करवाने की जरूरत पड़ेगी, और स्पेशली ये देखने के लिए कहीं ब्लड कैंसर की शुरुआत तो नहीं हो रही है। थैंक यू।